डीडी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 3 सेकंड में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के सवालों को हल करें, और ऐसे 30 सवाल हल करके मैंने अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। लेकिन इससे मेरा मकसद ये नहीं है कि कितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए कोई आश्चर्यतम चीजों को मैं दिखाऊं, नहीं। मेरा मकसद यही है कि अगर छोटे में करते हैं, आपके किताब के पीछे जो आंसर दिए उसको भूल के अगर इस तरह से करते हैं, क्योंकि जितना छोटे में करेंगे गलतियों की होने की संभावना भी उतना ही कम होगा और समय की भी बचत होगा। तो इस मकसद से मैंने इस वीडियो को बनाया है। हाँ, जल्दी बोलने के क्रिया में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चीजें आपके ऊपर से चला जाए, तो वहां पर आपको बस इतना ही करना है कि उस पोर्शन को फिर दोबारा एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा बैक करके फिर आगे बढ़ जाते हैं तो चीजें संपूर्ण रूप से आपके पास आ जाएगा। और देखिए, ये जो है 30 सवाल का मतलब होता है नंबर सिस्टम का, ऑलमोस्ट 50% जो है, जितने तरह के सवाल होते हैं उसमें से 50% के सवाल आपके पास आ जाते हैं। तो इस हिसाब से ये जो चैप्टर है और ये जो 30 सवाल है वो बड़े महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई भी एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, देखिए कि एक कपड़े का क्रय मूल्य 35 रुपया दिया गया है। अब उसमें दो शर्त लगा दिया है कि अगर कपड़े की 35 रुपया जो रेट में खरीदा गया था उससे अगर 1 रुपया रेट को कम कर दिया जाए और कपड़े की जो लंबाई ली गई थी उससे 4 मीटर बढ़ा दिया जाए तो कपड़े का खरीद भाव 35 रुपया ही रहेगा। अब देखो, इसको इतने बड़े लंबे गाथा से तो जो किताब में है मैं तो करने से रहा। अब देखो, मैंने पकड़ लिया भैया 4 ऑप्शन है, चलो 35 रुपए करके है, 10 मीटर कपड़ा है, अगर होता तो कितना होता, 3.5 रुपया। अब 3.5 रुपया होता, बोला 1 रुपया घटा दो, तो चलो यार 2.5 रुपया कर दिया। अब 2.5 रुपया है 10 मीटर के जगह, बोलता है 4 मीटर बढ़ जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा, 14 मीटर होगा तो 2.5 को 10 से गुना करेंगे 25, 2.5 को 4 से गुना करेंगे 10, 25 और 10 मिलके 35 होगा, और यही आपका सवाल का जवाब हो गया। तो मेरे को कहना है कि हम इसे क्यों लिख के नहीं रखेंगे, क्यों इसमें परीक्षा के पहले 4-5 बार चर्चा नहीं कर लेंगे, जिससे कि हमें इतने लंबे चौड़े बकवास चीजों को सीखने की जरूरत ना हो। क्योंकि यह परीक्षा में अगर करता भी है तो आपके 2 सवाल का समय को खाता है, ये खुद की सुसाइड करने के अटेम्प्ट है। अगर इस तरह को आप पसंद करते हो तो इन पसंद को आप अब बदल लो, नहीं तो चांस नहीं मिलेगी। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बोलता है कि एक व्यक्ति के पास 550 रुपए के रूप में 10 रुपए के तथा 20 रुपए के नोट है, 550 रुपया उसके पास है जिसमें 17 जो है 10 रुपए का है। तो मैंने 17 10 रुपए का होगा तो 170 होगा, तो 550 से 170 घटा दिया यार, तो फिर क्या हो गया, देखो 380 रुपए हो गए। बोलते हैं 20 रुपए में है, तो 380 रुपए अगर 20 रुपए के नोट के में होंगे तो 19 नोट होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये 3 सेकंड में हो जाता है, और ये सब तो चीज करने की जरूरत ही नहीं है। आप समझो, करके रखो, इस तरह की प्रैक्टिस शुरू करो। मैं हर तरह के सवालों को कराता जाऊंगा, आप देखेंगे कि सब कुछ पॉसिबल है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, हमें 30 जाना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। देखो, 10 दर्जन सेब है, 15 दर्जन आम है, 20 दर्जन संतरा है। अब बोलता है इसमें 1/2 भाग बढ़ गया, तो देखो 10 दर्जन का 1/2 मतलब आधा, 10 दर्जन का अभी अगर बढ़ेगा आधा मतलब 10 का आधा 5, 5 दर्जन बढ़ जाएगा तो ये 15 दर्जन हो गया। अब देखो 15 दर्जन आम है और उसमें 1/3 बढ़ता है, तो 15 में क्या होगा, 3 से भागा देंगे तो 5 होगा, 5 3 15, 15 के साथ 5 जुड़ गया तो 20 आपका 20 दर्जन हो गया। उसी तरह देखो 20 दर्जन में 1/4 बढ़ता है, तो हम 20 लिए और 1/4 मतलब 4 को 20 से भागा दिए, 4 5 20 हुआ तो ये 25 हो गया। अब देखो 25 और 15 जो है आपका 40 हुआ, 40 और 20 60 हुआ, मतलब हमें जो बढ़ने के बाद फल जो है 60 दर्जन के दिख गए यार, और 60 दर्जन अगर 12 करके 1 दर्जन होता है 6 12 72,
तो ये 720 हो गए। तो देखो यहां पर भी ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं होती है, सिंपल सा मेथड है। और हम चलिए आगे बैठते हैं, हमें थोड़ा जल्दी भी जाना है। अब देखिए एफ के पास नोटों की निश्चित संख्या है। अब देखो 9 रुपए का एक नोट है, देखो पहले हम इसको करके दिखा देते हैं। 5 रुपए का 5 नोट है मतलब 25 रुपया होगा, 6 रुपए 10 रुपए का 6 नोट है मतलब 60 रुपया होगा, 20 रुपए का 7 नोट है मतलब 140 रुपया होगा, 50 रुपए का 8 नोट है मतलब 400 रुपए होगा, 100 रुपए का 9 नोट है मतलब 900 रुपया होगा, सबको जोड़ देंगे तो 1534 रुपया होगा। इतना लंबे चौड़े में हम नहीं करेंगे यार, हम देखो पहला ये देखते हैं कि 10 को 6 से गुणा करके 60 मतलब आखिरी संख्या सुनना होगा, 20 को 7 से गुणा करेंगे क्योंकि सुनना है तो आखिरी संख्या सुनना होगा, ये 50 भी देख लेते हैं एक नजर तो ये भी सुनना होगा, 100 का ये सुनना से 9 को गुणा करेंगे तो देखो ये भी सुनना होगा। हम एक एक संख्या पर देख रहे हैं, ऐसी एक एक पोजिशन के संख्या पर, तो मतलब 9 का 9, 50 25 का 5, 9 और 5 14, मतलब इन जो भी संख्या होगा उसकी आखिरी संख्या 4 होगा। अब देखो ऑप्शन में ये में केवल 4 दिखता है, तो फिर इसको भी मुझे करने की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल जैसे ये चीज देखा ना तुरंत हमें समझ में आ गया कि एक एक संख्या को देख के हमें काम चल जाएगा। तो मैंने 9, 50 25 का 5, 5 और 9 14 का 4, तो यही आंसर हुआ। तो मैं इसको इसलिए इस तरह बोल रहा हूं कि आप समझ लो कि करना क्या होता है दोस्त। चलिए क्योंकि इसको लिख के रखना है, फिर से प्रैक्टिस करना है, परीक्षा के पहले तक कम से कम 5 बार प्रैक्टिस होना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जेन देखो एक लॉटरी जीती है, इनाम की राशि का 1/3 भाग मिलता है, 2/3 भाग पता नहीं क्या हो जाता है, और उसका 1/6 भाग। अब देखो 1/3 का 1/6 मतलब 1/18 भाग, 3×6=18। अब देखो 1/18 अगर 6000 है तो पूरा कितना होगा, 18 को 6 से गुणा कर दो 108, पहाड़ा एकदम टाइट होना चाहिए। अब देखो तब ये सब करने की जरूरत नहीं, आपने खाली देखा अच्छा अच्छा 6×3=18, 18×6=108, आपने अब सीधा डी पर टिक मार दिया, निकल गए। तो कहने का मतलब ये सब जो करने की जरूरत नहीं है, आप अपने जो आदत को जो है ना थोड़ा सा चेंज करो दोस्त। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो देखिए 5वां सवाल हो गया है, अब हम अगले सवाल पे आते हैं। एक राजनेता देखो 285 किलो चीनी 1487 ग्रामीणों में वितरित करना है। देखो 3 संख्या यहां है, 4 संख्या, 3 संख्या को 4 संख्या से भाग देना है। तो भैया सामने एक तो दशमलव गिरेगा, बड़ी सिंपल सी बात है, सामने दशमलव की देखो फिगर जो है, सामने दशमलव की केवल एक है, और देखो सब 191 है। तो कहने का मतलब इसमें कुछ भागा वागा देने की जरूरत नहीं है, यही चीज आपको ध्यान में रखना है, यही चीज कॉपी में लिख के रखना है, इन सवालों को उतार के रखना है, और परीक्षा के पहले 4-5 बार अगर रिवीजन कर लेते हैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूं तो आपका भी दिमाग वैसे ही चलेगा, बस इसका एक ही शर्त होता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 2 अंकों वाली संख्या का अंकों का योग 9 है, जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, मतलब 45 होगा तो 54 होगा, मतलब उस संख्या में 4 और 5 तो रहेगा। चलिए भैया 27 के साथ 7 के साथ अगर 5 जोड़ते हैं तो 12 का 2 होता है, मतलब 45 हो या 54 हो 2 तो नहीं है, मतलब संख्या बदल नहीं रही है, तीसरी कोई संख्या आ रही है, ये होगा नहीं। अब देखो 27 को 36 में जोड़ते हैं, 6, 7, 13, तो देखो 3 है, 6, 7, 13 का हमने 3 जोड़ा है, 1 हाथ में है, अब 3 और 2 5 और 1 6, मतलब 63 पलट गया, तो यही आंसर है। तो देखो ये देखो यहां पे मैंने लिख के दिया हुआ है इसको, ये तो फिर क्या है कि ये करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मतलब यहां से निकलो दोस्त, अगर आप लोग फंस गए हो तो निकलो, वो किताब है तो इस पोर्शन को मत करो, मैं किताब को फेंकने की नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन वो सवाल जो सवाल बेमतलब के बड़े होते हैं जो पुराने जमाने में किए जाते थे उनसे खुद को निकालो, तो इन सब की जरूरत नहीं है, यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वो छोटी सी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्ग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके, मतलब जो संख्या मिलेगा उसके साथ भी कुछ जोड़ना है, तो चलो भैया 15 का स्क्वायर 225 होता है, 14 का वर्ग यार ये तो याद रहना चाहिए 196 है,
जोड़ेंगे तो ये सीधी सी बात है 421 होगा। देखो 400 है 20 का क्या कहते हैं वर्ग, 20 के आगे का वर्ग क्या होगा 21 का वर्ग होगा, 21 का वर्ग जो है 441 होता है, और 441 से अगर हमें 421 मिला है तो कितना जोड़ेंगे यार, 20 जोड़ देंगे तो 421 में तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यही आंसर है। तो देखो हमें बोलने में वक्त लग रहा है, आप जब सोचते हो तो इतना वक्त नहीं लगता है, हर 3 सेकंड में होता है, और ये सब नहीं करना होता है दोस्त, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब 9वें सवाल पे। देखो 2 दर्जन किताब और 16 नोटबुक को छात्र में इस प्रकार वितरण किया जाए कि वितरण के बाद एक भी ना बचे। देखो यहां पे तो हम पहले ये सवाल में पिस्ट आ गया, पहले सवाल का सीधा 2 दर्जन मतलब 24 और 16 का आप मसा निकाल लीजिए, हो जाता था। अब क्या बोलता है, किताबों और नोटबुकों के अधिकतम कितने सेट बनाए जा सकते हैं। तो देखो यहां पर भी इतना सारा कुछ करने का जरूरत नहीं है यार, हम बुक जो है बी लिख देते हैं, ठीक है ना। 2 दर्जन मतलब 24 लिख दिया, नोटबुक एन लिख दिया, ठीक है ना, और ये 16 है तो किताब कॉपी मिलके कितना है जोड़ लेते हैं, तो 40 है, यही तो सब में बांटना है। अब देखो 24 को अगर हम तोड़ते हैं तो हम 8 के पहाड़ा में तोड़ते हैं, तो क्या है कि इसको भी 8 के पहाड़ा में तोड़ सकते हैं, इसको भी 8 के पहाड़ा में तोड़ सकते हैं, और 8 जो है मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा मौसा हो जाता है, मतलब 8 3 24, 8 2 16, 8 कॉमन है, तो मतलब 8 8 का बनेगा, लेकिन उसमें 3 किताब और 2 कॉपी रहेगा, तो 3 और 2 को अगर हम जोड़ दिए तो कितना हुआ, 5 हुआ। अब 5 से अगर हम 40 को भागा देंगे तो क्या होगा दोस्त, 5 8 40 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमने जो है इसे निकाल लिया, तो ये अपने को करने की जरूरत नहीं होती है। मैं इन चीजों को समझाता हूं, ये मौखिक रूप से होता है यार, देखो ना 2 दर्जन 24 है, 16 जोड़ दिया 40, ना लिखने की कोशिश ना करो, 40 हो गया। अब आप सोचते हो भैया 40 है, ठीक है ना, 2 दर्जन 8 2 16, इतना खाली अब नहीं कर पा रहे हो तो इतना लिखो, 5 है, 40 को 5 से भागा दे दो, 8 में टिक मार दो। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, थोड़ा सा मैं ज्यादा जोड़ पे कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा जल्दी पे कर रहा हूं, क्योंकि 30 सवाल तक जाना है दोस्त। 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर नई संख्या का अंतर 45 है। देखो इसमें एक चीज को बताना चाहता हूं, एक ही बार करोगे आपको जीवन भर के लिए रहेगा, लेकिन कॉपी में लिखना जरूरी है। दोनों के अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो 2 अंकों की संख्या और अंकों के स्थान आपस में बदलने पर नई संख्या का अंतर 45। जब इसमें है तो देखो संख्या हमने पहला दहाई का अंक एक्स लिया था, इकाई का अंक जो पहले करते थे, तो 10x + y - 10y + x। देखो यहां जब आप करोगे ना, ये एक्स और वाई पर लेते हुए दुनिया के कितने करोड़ों संख्या बन सकते हैं, लेकिन जब आप इस इक्वेशन को करोगे, देखो 9x - 9 को कॉमन लेते हो तो 9x - y, मतलब ये जो अंतर आपको देगा ना वो 9 से हर वक्त विभाजित होगा। तो मतलब है कि आपको करना क्या है यार, 45 को 9 से आप थोड़े लिख के, मैं तो लिख के दिखा रहा हूं, इसलिए आप तो 45 को 9 से भागा दिए, 5 9 45, आप बोले कि भैया ये आंसर 5 होगा। तो फिर क्या है कि इसको लिखना होगा, इसको जैसे मैं बोला आप भी समझ लो, ये क्यों 9 से भागा देंगे, ये मैं इसको इसलिए यहां पे बोल रहा हूं कि देखो ये कोई तुम्हारा क्या कहते हैं ट्रिक नहीं है, ये तो सत्य है कि हर वक्त करोगे 9 ही अंतर आएगा, तो 9 से भागा देना होगा। नई संख्या अगर 45 है तो 9 से भागा दिया तो दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा अंकों का जो होगा वो 5 होगा। बड़ा सिंपल सा मैटर है, बस इसे खेलो दिमाग के अंदर में बैठा के रखना है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी 20 सवाल करने हैं। 2 अंकों का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल कितना होगा। देखो 2 संख्याओं का गुणनफल अगर 24 है यार, तो 2 संख्या उससे पता चल जाता है क्या होगा। अब देखो 24 गुना करके कैसे मिल सकता है, फटाफट जरा लिख लेते हैं, लेकिन बाद में तो हम दिमाग में ही सोचेंगे ना, 12 2 24, तो 12 और 2 को जोड़ेंगे 14, यहां पे ऑप्शन में तो 14 कोई दिखा नहीं। दूसरा होगा 4 6 24, मतलब एक संख्या 6 होगा, दूसरा संख्या 4 होगा, तो जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो यस यहां पर है,
तीसरा 3×8=24 भी हो सकता है, तो 8 और 3 को जोड़ते हैं तो ऑप्शन में नहीं है यहां। तो अपने पास तो एक ही ऑप्शन है, तो एकदम 100% हो गया ना, 6 और 4 होगा, जिसको जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं होता है, इस चीज को मैं खाली आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं। चलिए हमारा 11 नंबर खत्म है, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 12 किलो चीनी का मूल्य 6 किलो चावल के बराबर है। देखो भैया, 12 किलो चीनी 6 किलो चावल के बराबर है, तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं S12 बराबर SR, मतलब ये शुगर है 12 किलो है बराबर है, ये है राइस आपका 6 किलो है, तो मतलब अब शुगर 2 किलो बराबर राइस 1 है, ऐसे भी दिखता है ना यार, 6 × 12 2 किलो चीनी बराबर है 1 किलो चावल का। अब बोलता है 10 किलो चीनी तथा 8 किलो चावल, 10 किलो चीनी को अगर हमको चेंज करना है चावल में, तो 10 का आधा हो जाएगा 5, इधर भी 5 किलो चावल है, 8 किलो चावल मतलब 13 किलो चावल, देखो जो यहां पे हमने लिखा हुआ है 13 किलो चावल कितना है 1040। अब देखो 104, 13×8=104 होता है, तो मतलब 40 चावल का किलो 80 रुपए है। अब चावल का किलो अगर 80 रुपए है, और देखो 1 किलो चावल का दाम जो है 2 किलो चीनी के दाम के बराबर है, तो 1 किलो चीनी का दाम कितना होगा, 80 का फिर आधा हो जाएगा 40 रुपए हो जाएगा। देखो अगर इन बातों को तुम्हें समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम्हें 2-3 बार करना होगा, लेकिन इसे छोड़ना होगा, क्योंकि ऐसे समझ के करते भी हो तो ये आपके आधे मिनट में कभी नहीं बनता है, कोशिश करके देख लेना दोस्त। जब आधे मिनट में नहीं बनता है तो दूसरे सवालों को वक्त को आप बर्बाद करते, इस चीज को समझो। तो फिर क्या है कि इसे मुझबानी किया जा सकता है, इसमें कमजोर तेज की बात नहीं होती है, केवल प्रैक्टिस की बात होती है, इस चीज को दिमाग के अंदर में रखिए। और फिर तो फिर इस चीज को हटिए, यहां पे कीजिए क्या बोलते हैं, देखो 16 किलो चीनी 6 किलो चावल, देखो ये पहली बार तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे कॉपी पे लिखा हुआ है, तुमने इसे 2-3 बार प्रैक्टिस किया, तो फिर देखते ही आ जाता है। जब 12×6=2×1 का मामला है, 2×1 का मामला है, तो 10 किलो हम कर देंगे तो 5 किलो हो जाएगा, 5×8=13 किलो चावल, 13×8=104 सुनना हो गया 80 रुपया, 80 रुपया को अब दो भाग में करना है, तो एक भाग का 40 रुपया, 40 रुपया आंसर होगा। देखो यहां कर सकते हो, होता है, इसमें वो बेसिक की बात जानने की जरूरी नहीं होता है, ये भी आप जान लेना। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्त आपको 2 से लेके जो है ना 50 तक का वर्ग का तो याद रखना ही होगा, चाहे कोई भी एग्जाम में आज जीतने के लिए जरूरी है। और आप जानते हो 1024 जो है वो 32 का वर्ग होता है, आपको खाली टिक मार्क करना है, यहां और कुछ नहीं करना है, वक्त नहीं बिगाड़ना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके योग के 3 योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखो पहला तो एक संख्या उसने 12 बता दिया है ना, और ये ऑप्शन में 4 संख्या इसमें से कोई होगा, तो चलो 12 के साथ जो 2 ले लेते हैं, तो 12×2=24 होता है, और इसको जोड़ते हैं तो 12×2=14, 14 का 3 गुना 42 होता है। लेकिन बोला गया है क्या है, गुणनफल योग के 3 गुना के बराबर होगा, मतलब 24 और 42 बराबर होना चाहिए, जो हो नहीं सकता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। फिर 3 लेते हैं, 12 और 3 जोड़ते हैं, 12×3=36 होता है, 12 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 को 3 से गुना करेंगे तो 45 होगा, तो 36 45 के बराबर तो होता नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब चलो 12 लेते हैं और 4 लेते हैं, 12×4=48 होता है, ठीक है, और 12 और 4 को जोड़ते हैं तो 16 होता है, 16 का 3 गुना करेंगे तो 48 होता है, अपने को समझ में आ गया, तो यही उत्तर है। तो इसके लिए इन तरह के विधियों को ही अपनाया जाता है, और ये आपको याद तभी रहेगा जब नोटबुक में लिख के, चूंकि इसका पीडीएफ फाइल भी मैंने दे दिया है, नोटबुक पे लिख के आप इसकी चर्चा करेंगे परीक्षा के पहले कम से कम 5 बार तभी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 2 अंकों की एक संख्या उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या के योग का 132 है। तो कहने का मतलब है यदि संख्याओं को अंतर 4 है, तो देखो 62 सब 4 4 है, ये तो रहता ही हम जानते हैं, देखते हैं कोई जरूरत नहीं होता है। कहने का मतलब है 37 और 73 है, ठीक है ना, 37 को उल्टेंगे तो 73 हो जाएगा ना, तो देखो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो सुनना होगा, यहां जोड़ने पर 132 का यहां पे सुनना नहीं है, 2 है इसलिए ये नहीं होगा। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 8×4=12 होता है, तो ये होने की संभावना है, दोनों और देख लेते हैं, 7×3 को जोड़ते हैं सुनना होता है, ये हो नहीं सकता है,
छह और दो जोड़ेंगे तो आठ होगा, तो मतलब और कुछ देखने की मैंने जरूरत ही नहीं है, मैं समझ गया कि यही होगा यही होगा यही होगा, और यही 3 सेकंड में हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इन सब से थैंक यू करके इन सबको हटाइए अपने प्रिपरेशन के स्टाइल से। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दो अंकों की एक संख्या के, देखिए ये भी इसी टाइप का एक सवाल है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि अंक को आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। तो मतलब अगर आपस में बदल देंगे तो संख्या छोटी हो जाना चाहिए, पहले संख्या क्या बड़ी होगी, आपस में बदल देंगे तो छोटी हो जाएगी, तभी तो होगा ना। तो देखो 37 है, इसको पलटेंगे 73 है, इसको पलटेंगे 37 है, मतलब ए हो सकता है। और देखो 73 को से हमें घटाना क्या है, देखो 73 से हमें 37 घटाना है, 13 से 7 घटाने से, 3 से 7 घटाने से कभी 4 नहीं आता है, तो ये हो नहीं सकता है। अब देखो 82 है, इसको पलटोगे तो 28 होगा, जैसे हम दिखे हुए हैं 82 को हम पलटेंगे तो 28 होगा, तो 4 होगा, तो मतलब यही 4 होगा, क्यों, ये 28 को पलटोगे तो 82 होगा, 28 से 82 भाग लेस नहीं हो सकता है, 37 को पलटोगे तो 73 होगा, 37 से 73 लेस नहीं कर सकते हो, इसके लिए मतलब है 82 आंसर है, ध्यान से सुनते जाना भैया। तो फिर इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, ये भी लिखते हो तो सही है, नहीं लिखते हो कोई जरूरत नहीं है, 3 सेकंड में हो जाता है दोस्त। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इतनी बड़ी करने की कौन सी जरूरत है यार, ये सब नहीं किया जाता है, भले किताब में आपने खरीदा है कोई बात नहीं है। तो देखो 16 का वर्गमूल करोगे तो 4 होगा ना, 16 से 4 घटाओगे तो 12 होगा, यहां 30 मांगता है फ्रेंड, तो 36 का वर्गमूल करोगे तो स्क्वायर रूट करोगे तो 6 होगा, 36 से 6 घटाओगे तो 30 होगा, दिस वन इज द आंसर, बस आपको ये सब नहीं करना है। तो इस तरह के कंपटीशन में इन तरह के वीडियो को सीखें, यही आपके लिए जरूरी है। अब नेक्स्ट आते हैं, 17 नंबर हो गया, अभी भी 12 चलना है। देखो इस टाइप के सवाल को भी देखो हम कैसे करते हैं। देखो 3 कुर्सी 2 मेज है, 2 अलग अलग आइटम है, का मूल्य 700 रुपया है, 5 कुर्सी 3 मेज, 5 चेयर 3 टेबल का मूल्य 1100 रुपया, देखो दोनों अलग अलग है। तो इसको देखो इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट मेथड बोलते हैं, क्या करते हैं 5 से हम ऊपर के तीनों संख्या को गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 5 3 15 होगा, 5 2 10 टेबल हो जाएगा और ये 3500 रुपया हो जाएगा। उसी तरह 3 चेयर से इस तीनों को गुणा करेंगे, 3 5 15 3 9 1100 को 3 से गुणा करेंगे तो 3300। लेकिन एक बात जानते हैं सब्स्टिट्यूट में क्या होगा, ये 15 कुर्सी यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी 15 कुर्सी होगी, तो इसको काहे को लिखेंगे यार, हम तो सीधे 5 को 2 मेज से गुणा कर दिया, हमने लिखो 10 टेबल लिख दिया, 10 टेबल का दाम है 5 से 700 को गुणा किया 3500 लिख दिया। फिर देखो यहां पर जो है 3 से जो है इसको गुणा किया 9 टेबल है, और देखो ये 1100 को 3 से गुणा किया 3300 हुआ, 3500 घटाया तो 200 हुआ, 10 टेबल से 1 टेबल घटाया तो 200 हुआ, मतलब 1 टेबल का कीमत 200 रुपया है। अब देखो 2 टेबल 3 चेयर का मतलब 2 टेबल का कीमत कितना होगा 400 रुपया होगा, 700 से अगर हम 400 घटाते हैं तो क्या होगा 3 चेयर का 300 रुपया होगा, 3 चेयर का अगर 300 रुपया होगा, 1 चेयर का 100 रुपया होगा। अब देखो हमें चेयर के भी दाम मिल गया, टेबल का भी दाम मिला है, अब बोलता है 1 कुर्सी और 2 मेज, 1 चेयर का दाम 100 रुपया है, 2 टेबल का दाम 200 रुपये करके 200 200 400 400 100 500 रुपया होगा, तो मतलब यही आंसर होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, ये थोड़ा देर करते हो तो फिर ये थोड़ा बहुत मुझबानी भी होने लगता है। तो कहने का मतलब दिस इज द फास्टेस्ट वे और इसे आप एडॉप्ट करना चालू करो। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अभी तक देखो 18 सवाल हो चुके हैं और अभी 12 सवाल करने हैं। यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपये है तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य कितना होगा। मेरे भाई तब एक चीज को जरा सोचते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये 3/4 का दाम है ना, तो हम इससे किलो का दाम निकालते हैं। देखो 3/4 मतलब 4 भाग में 3 भाग, अच्छा 4 भाग में 3 भाग का दाम अगर 48 रुपया होगा तो 1 भाग का क्या होगा, 16 को 3 से भागा दे देंगे तो 48 को 16 3 से भागा देंगे तो 16 होगा। अब 16 होगा तो 16 चौके 4 भाग में क्या होगा 64 रुपया होगा, मतलब
किलो 64 रुपए होगा। अरे 64 रुपए किलो होगा तो 2 किलो ही तो 120 रुपए से ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। अब 36 रुपए लेते हैं, 36 रुपए 3 भाग में बोल रहा है, ठीक है ना। तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो किलो क्या होगा, देखो कितना आसानी से कर रहे हैं, 12 चौके 48, तो 48 रुपए किलो हो गया। 2 किलो का दाम कितना हुआ, देखो 48 दूनी 96, 2 किलो 96 है। 1 किलो का दाम अगर आपका 48 है, आधा किलो 24 रुपए है, 96 को 24 रुपए में जोड़ दो तो 120 रुपए हो जाता है। ये देखो कीमत निकल गया। ऑप्शन में देखो बार बार हम उल्टा जाके जो क्वेश्चन में रहता है उससे मिलान कर लेते हैं, तो ये भी लिख के रखना। बार बार बोलता हूं, नहीं होता तो घबराओ नहीं दोस्त, कॉपी पे लिख के रखो, मेरी तरफ बोलने की कोशिश करो, गारंटी है 5 जहां तक रिविजन होगा तोते की तरह करने लगोगे, आपकी दुनिया खुल जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं, 20 नंबर के सवाल पे आते हैं। यदि R019 11 से विभाजित हो जाती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या R का मान ज्ञात कीजिए। देखो 11 से अगर डिवीजन देने की बात होती है ना, भाग देने की बात आती है, तो आप इन दोनों का पहले दो संख्या का डिफरेंस निकालो, 9 और 1 का डिफरेंस 8 है, तो देखो यहाँ आगे के सामने की भी दो संख्याओं का डिफरेंस 8 ही होना चाहिए। इधर 0 है तो ये क्या होगा, 8 होगा। देखो ये बेसिक वगैरह के क्लास में अगर सीखते हो मेरे से या कहीं से भी सीखते हो तो ये चीजें बड़ी सिंपल चीजें हैं, ये आपको पहले जान लेना जरूरी है, ठीक है ना। देखो मैथ में दो चीज होता है, बेसिक अलग होता है, गणित अलग होता है। मैं अभी गणित कर रहा हूं इसलिए बेसिक बोलते जा रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, क्यों, दोनों अलग चीज है। अब नेक्स्ट आते हैं, यदि दो संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, दो संख्या के वर्ग का अंतर क्या हो सकता है। चलो ए और बी दो संख्या है, उनके वर्ग क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। वर्गों का अंतर क्या होगा, ए माइनस बी होगा। अगर ए माइनस बी, या जैसे देखो यहां लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब है दो संख्याओं का योग, देखो यह 26 दिया हुआ है। एक्स माइनस वाई मतलब दो संख्याओं का अंतर, देखो ये अंतर है। तो देखो ये मतलब क्या, 26 को 12 से गुणा करना है। अब देखो इसको देख के अगर आप लिख के तैयारी करके रखते हो तो ये सब तो घंटा लिखने वाले हो, आपको सीधा 26 से 12 जो है, देखो लोग बोलते हैं ना, कुछ लड़के जो है कोशिश करने के बाद 2 साल के बाद पास हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि पहला 2 साल में इस तरह से लिखने रहते हैं, तीसरे साल में दिमाग में घुस जाता है, ऐसा कुछ नहीं लिखना होता है तो हम एग्जाम नहीं कर पाएंगे, हमें खाली इतना ही लिखना होता है। और आप अगर एक ही बार में करना चाहते हैं तो शुरुआत से यही तैयारी शुरू कीजिए। तो 26 गुना 12 बराबर, अब देखो गुना कर रहा हूं मैं 26 को 10 से गुना कर दिया तो 260 हुआ, और 26 दुनी 52 हो गया, 6 5 11 हो गया, 312 हो गया, अपने को ऐसे ही समझ में आ गया। तो ये तेजी के साथ करने के कुछ तरीके हैं, जो जानने से नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से होता है। चलिए अब एक सवाल पे चलते हैं। यदि दो अंकों का योग 15 है, अंतर 3 है, जरा देख लेना समझ लेना, तो वो संख्या क्या होंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, 15 है 3 है जोड़ दो 18 हुआ, 18 को 2 से भागा दे दो तो एक संख्या जो बड़ी संख्या होगी वो 9 है। एक संख्या 9 है तो 15 से 9 को घटा दो, क्योंकि दो संख्याओं का जो 15 है तो 15 से 9 घटाए तो दूसरी संख्या 6 हो गई। तो देखो ये मुझबानी हो जाता है, तो भी मैंने यहां पे लिखा है 15 प्लस 3 देखो 18 हुआ, 18 को हमने 2 से भागा दिया 9 हुआ, तो एक संख्या 9 हो गया तो दूसरी संख्या 15 से माइनस कर दिया तो 6 हो गया, तो ये बी आंसर हो गया, ये करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक दीवार का 1/4 हिस्सा नीले रंग का है, 1/2, देखो मतलब है 1/2 हिस्सा, एक चौथाई और आधा, पुराने जमाने में होते तो तुम्हें इसको बताने की जरूरत, तुम खुद ही बोल देते 3/4 है। आज के जमाने में चूंकि लिख के काम करने की कोशिश बचपन से करा दिया है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखो 1/4 तो हमने लिख दिया, प्लस अब आधा लिख रहा हूं 1/2, अब जोड़ेंगे कैसे, ये लौसा वासा नहीं करके सीधा एक काम करते हैं ना, ऊपर नीचे 2-2 से गुना कर देते हैं। अगर 2-2 से गुना कर देंगे तो ऐसे देखो कट जाता है, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसे 2 दूनी 4 2/4 हो जाता है। अब 1/4 और 2/4 अगर नीचे का दोनों बराबर है, 4/4 में है तो ऊपर का जोड़ देंगे 2 और 1 3, तो 3/4 जो है तो बच किया गया या 1/4, तो 1/4 बराबर 3 मीटर है, तो 1 बराबर क्या होगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 मीटर होगा, यही 12 मीटर आंसर है।
तो मेरे को इतना नहीं लिखना है और ये भी नहीं करना है, ये थोड़ा सा मनी मन करने को सीख लेने की जरूरत होती है। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो ऑप्शन में जो दिया है छोटी संख्या है ना, तो पहली अगर 17 अगर विषम संख्या क्रमागत है तो दूसरी क्रमागत क्या होगी, 17 के बाद 18 छोड़ के होगा 17 और 19 होगा, इन्हीं के गुणा करने के लिए बोला है। अब देखो 7 9 63 गुणा करने की क्या जरूरत है, 7 9 63 399, 63 का 3 आता है या 9 है, ये नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा, देखो 19 है तो दूसरा क्रमागत क्या होगा, 21 होगा एक छोड़ के, और 9 1 9 तो ये 399 होगा, ये हो सकता है। अब देखो 21 है, दो और भी है, इसको चेक कर लेते हैं। 21 है एक छोड़ के 23 होगा, तब 3 1 3 या 9 है तो मतलब ये भी नहीं होगा। अगर 23 है तो दूसरा क्या होगा, एक छोड़ के 25 होगा, 5 3 15 है या 9 है, तो मतलब हमने देखा कि केवल बी ही हमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी ही आंसर है, बड़ा सिंपल है यार। तो देखो ये छोटी चीजें हैं, खाली ये प्रैक्टिस से ही होती है। अब देखो ये बोल रहा है एक कैंप में 180 विद्यार्थी के पास 20 दिन के लिए राशन है, तो यार 180 विद्यार्थी है, 20 दिन के लिए राशन है, बड़ा खाना तो बहुत ज्यादा होगा यार, तो 180 को हमने 20 से गुणा कर दिया। अब बोलता है ये राशन 25 दिन तक चलना चाहिए, तो राशन 25 दिन तक चलेगा तो लड़के को कुछ निकालना होगा ना, तो पहले चलो 25 से भागा देखे, देखते क्या होता है। तो मतलब अगर 25 दिन तक खाना है तो 144 छात्र ही खा सकते हैं, अपने पास है 180, 180 से 144 जैसे माइनस कर दिया तो 36 जो है 36 स्टूडेंट को निकालने की जरूरत है, तो एकदम सिंपल वे से। तो मैं इसको इसीलिए बोलना चाह रहा हूं कि देखो तैयारी के जो है तरीके हैं, और कुछ ज्यादा मैथ को लेकर कर रहा हूं आज की, आपके दिमाग में बैठ जाए कि ऐसे ही होता है, ये एक दो बने चुन के लाया नहीं जाता है। अब देखो दो पेंसिल 4 पेन 8 रबर का मूल्य 12 रुपया है। देखो यहां तीन चीज है, पेंसिल है, पेन है, रबर है, नीचे भी देखो पेन है, पेंसिल है, रबर है। अब जरा देखो तो यार पेन के पेन साथ जोड़ के 8 और 4 12 पेन, 10 और 2 12 पेंसिल, 8 और 4 12 रबर, सब 12 12 12 हो गया। मतलब अगर और तो पैसा कितना होगा, देखो ये 8 पेन 10 पेंसिल 4 रबर का 36, 2 पेंसिल 4 पेन 8 रबर का 12, 36 और 12 को जोड़ दिए तो कितना हुआ यार, 36 और 12 को जोड़ दिए तो 48 हुआ, ठीक है ना। अब 48 अगर हुआ, हो गए कितने 8, देखो 8 पेन और 4 पेन सब 12 12 पेन हो गए, तो 12 से हमने भागा दे दिया तो हमारा 4 रुपए करके हुआ। देखो मैंने यहां 4 से भागा दिया, 12 से इसलिए भागा दिया क्योंकि सब 12 12 हो गए थे, 12 12 हो गए तो 4 रुपए एक सेट का कीमत हुआ। तो तीन पेंसिल 3 पेन 3 रबर का मतलब है ये आपका एक सेट का कीमत जो है 3 रुपए है, तो ये 4 रुपए है, तो 3 पेंसिल 3 पेन 3 रबर मतलब 3 सेट, तो 4 रुपए को 3 रुपए से गुणा करेंगे तो 12 रुपए होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो इस तरह के हम विधियों को नहीं अपनाएंगे, एक्स वाई जेड को वही मैं समझाना चाह रहा हूं। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल, देखो अब भी विषम संख्या का किया है, तो अगर मैं ऐसे करूं इसको तो देखो मैं इसको अभी तो हम क्या करेंगे, 18 होगा तो दूसरा संख्या क्या होगा, छोटी संख्या है बोला है, एक छोड़ के होगा 20 होगा, सुनना होगा या 28 है, सुनना लास्ट में नहीं है, ये नहीं होगा, 20 के साथ 22 होगा, 2 के साथ यहां भी सुनना आ जाता है, यहां सुनना नहीं है, ये भी नहीं होगा, 22 के साथ 24 गुना करेंगे 4 2 8 हाँ ये हो जाएगा, 24 है तो यहाँ पे 26 होगा, 4 6 24 ये नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही पता चल जाता है कि मुझे यही होने वाला है, जो मैंने बताया वही मैंने किया हुआ है, तो ऐसे ही हम टिक मारते हैं, ये भी यार 3 सेकंड में टिक लगता है, कोई लंबी चौड़ी वक्त नहीं लगता है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यार सिंपल है, यहां पे जो किया जा रहा है उसी को हम जरा दिमाग में समझ लेते हैं। पहली संख्या x होगा, सम संख्या होगा, पहला संख्या सम होगा, उसमें 2 जोड़ेंगे तो दूसरी सम संख्या निकलेगी, 4 जोड़ेंगे तो तीसरी सम संख्या निकलेगी। तो कितना जोड़ दिए, 4 2 6 3x है, मतलब अगर जो भी संख्या मिलता है जैसे 42 मिला
तो सिंपली आप 42 से 6 घटा दीजिए, तीन क्रमागत संख्या है मतलब 6 घटा दीजिए तो 36 हुआ, 36 को 3 से भागा दिया 12 हुआ। अब 12 के बाद पूछता क्या है, मध्य संख्या, पहला अगर 12 होगा तो दूसरा x प्लस 2 होगा ना, 12 दो 14 होगा तो 18 है। तो फिर यह कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, आपको खाली 6 याद रखना पड़ता है, इतनी सी तो बात है। तो मतलब है कि आप खाली ये सोचो कि मैं 3-4 सेकंड के अंदर मैं करके कैसे निकलूंगा, यह सबसे बड़ी बात है। अब देखो 54 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहले भाग का 10 गुना, रुक जाते हैं दोस्त, रुक जाते हैं, 10 गुना 10 है तो सुनना आएगा, दूसरे भाग के 22 गुना का योगफल 780 होगा। मतलब है क्या, देखो सुनना है। अब देखो तो बड़ा भाग क्या होगा, तो बड़ा भाग अगर 34 होता है, छोटा भाग क्या, देखो 54 से 34 करोगे तो 20। हम जानते हैं सुनना जो होता है, या तो आपको सुन कोई 10-20 करके मतलब सुनना से गुणा करेंगे तभी सुनना जन्म लेता है, या अगर सम संख्या है तो 5 से गुणा करते हैं, 5 × 2 = 10 होता है तभी सुनना जन्म लेता है, नहीं तो सुनना जन्म नहीं लेता है। तो कहने का मतलब है यहां पे 54 से 34 घटाए तो 20 सुनना पैदा हो जाता है, यहां पे ये हो सकता है। देखो और कुछ नहीं देख रहा हूं मैं, 54 से 28 अगर लेस करेंगे तो 4 से 8 घटाएंगे तो सुनना नहीं होगा, 54 से 32 घटाएंगे 4 से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, सुनना नहीं होगा, 4 से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा, सुनना नहीं होगा। तो मतलब सुनना बनने का जगह मेरे पास एक ही जगह है दोस्त, ये 34 है और 780 जो बोला हुआ है तो मेरे को समझ में आ गया, ये छोड़ के कोई होगा ही नहीं। देखो यही है, ये एक दिन में नहीं होता है, लेकिन अगर आप लिख के आज से तरीके को पकड़ लेते हो तो अगले 2-3 महीने में जरूर हो जाता है। ये आप कितनी सफलतापूर्वक करते हो इस बात पे निर्भर करता है और किसी बातों पे निर्भर नहीं करता है। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 42 है, अंतर 4 है, उनका गुणनफल कीजिए। तो देखो हमने क्या किया यार, हमने 42 और 4 को जोड़ेंगे तो 46 होगा, मैंने कहा ही है ना योगफल और अंतर को जोड़ के 2 से भागा दे दो, तो 42 और 4 46, 46 को 2 से भागा देंगे तो 23 होगा, तो ये बड़ी संख्या निकलती है तो 23 होगा, छोटी संख्या 23 से 4 घटा दो तो आप 23 से 4 घटाओगे तो 19 होगा। तो कहने का मतलब 23 और 19 को गुणा करना है यार, 23 और 19 को गुणा करना है तो 19 को 20 से गुणा कर देते हैं तो 19 × 38 380 हो जाता है, 19 × 57 होता है 57, 380 के साथ 57 जोड़ते हैं, 8 × 5 = 13 यही 3 है, 437 यही होगा। तो देखो यहां पर जो है अगर हमें सेकंड्स की बात होती है, आपको समझोगे कि ये छोड़ के एक तो है कि इस विधि को आपके अंदर आ जाना चाहिए, अगर अंदर आ गया तो सही में 4 सेकंड 3 सेकंड में चीज बातें बन जाती है दोस्त, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए ये कौन सी, ये 30 नंबर आखिरी सवाल हमने कर लिया और हमने 37 मिनट में किया हुआ है, तो समझ लीजिए पूरे मैथ को समझाने में 1 मिनट में हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये 3 सेकंड में सही में होने वाली बात है तभी ऐसा संभव हो रहा है। अब आपसे खाली नेक्स्ट क्लास के लिए बस इंतजार कीजिए, 1-2 दिन में जरूर आऊंगा दोस्त। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना, अगर लाइक नहीं किए करते हैं तो लाइक करें, और दूसरी बात है दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।